हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू नेट बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की, जिसमें अभी तक हम मियोसिस और मियोटिक टाइप का डिवीजन देख रहे थे। माइटोटिक डिवीजन हम देख चुके हैं। मियोसिस में हमने देखा था कि ये दो डिविजन्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन में कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज वन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और इसके पास सब स्टेजेस भी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। पांच सब स्टेजेस इसमें होती है। दो सब स्टेजेस की हम बात कर चुके हैं, लेप्टोटीन और जाइगोटीन की। अब हम बात करेंगे पैकेटिन की। इसे पैचेटिन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। पैकेटिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्टेज है। अगर हम जेनेटिक पर्पज से देख रहे हैं, जेनेटिक्स के पर्पज से देख रहे हैं, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज होता है और वेरिएशन आती है, ठीक है। तो ये जो पैकेटिन वाली फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था जाइगोटिन में पेयरिंग हो गई थी होमोलोगस क्रोमोजोम्स की, और साथ ही साथ जो क्रॉस था वो भी बन चुका था। इस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स है, तो इनके बीच में इस तरीके का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉस बन चुका था, ये एक दूसरे के नियर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे अभी फ्यूजन नहीं होता है। ये स्टेज, ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी फ्यूजन नहीं हुआ है। और पहले फ्यूजन होगा, फिर कायाज्मा बनेगा, फिर उसके बाद जाके इनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और ये सब कुछ होता है पैकेटिन में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है कि जाइगोटीन में क्रॉसओवर होता है, लेकिन वहां पे केवल स्टार्ट होता है, जाइगोटीन में केवल स्टार्टिंग होती है, पैकेटिन में ये जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज या जो क्रॉसिंग ओवर है ये होता क्या है। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम्स है, राइट? क्रोमोसोम्स या डीएनए हम कहते हैं, डीएनए की सबसे कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का अगर एक्सचेंज हो रहा है, और वो भी किसका? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इससे पहले हमने क्लियर किया था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। तो अभी हमने देखा कि पेयरिंग हो गई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन हुई? जो कॉपीड डीएनए है। कुछ इस तरीके से अगर आपको समझाना है, मान लीजिए ये जो है ये कॉपीड क्रोमोसोम्स है। एक एक आर्म क्या है? ओरिजिनल आर्म है, और दूसरी आर्म कॉपी वाली है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अभी हमने देखा था कि टेट्राड बन चुका है, ये दो आर्म्स जो हैं यहाँ पे एक होमोलोगस है, ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस पेयर हैं। अब इनके बीच में इनकी आर्म्स भी हैं। एक मान लीजिए ये ओरिजिनल वाली है, ये कॉपी वाला डीएनए है, ये मान लीजिए ये ओरिजिनल है और ये कॉपी वाला डीएनए है, ठीक है। तो ये वाली जिनके पास सेम सेंट्रोमियर है, जो जहां पे सेम जुड़े हुए हैं, ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे ये दोनों आर्म्स, लेकिन ये वाली, ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर सेम नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कैसे हो रहा है? आपको पता है जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीन में कोडेड होती है, ठीक है। और जीन क्या है? डीएनए के ही सेगमेंट्स हैं। तो अगर ये डीएनए के सेगमेंट्स यानी कि जीन अगर ये एक्सचेंज हो जाए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब यहाँ वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन अगर इसको मिल जाए, इस वाले पोर्शन को मिल जाए, और इसका इतना पोर्शन इस वाले को मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, फिर इनके बीच में सेपरेशन होगा और गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो गैमीट्स में एक न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा, और यही न्यू कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू वेरिएशंस के लिए, ठीक है। तो यही होता है क्रॉसओवर में। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, आप देख सकते हो ये साइनेप्सिस बन गए हैं, ये एक टेट्राड का स्ट्रक्चर बताया गया, जैसे मैंने अभी बताया। एक को यहाँ पे डार्क पर्पल कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे ऑरेंज टाइप का कलर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसओवर इनके बीच में हुआ है। क्रॉसओवर जैसे ही हुआ तो यहाँ पे का जो ऑरेंज वाला पोर्शन था वो इस वाले को मिल गया,
और जो पर्पल कलर का पोर्शन था वो इस वाले को मिल गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना जेनेटिक मटीरियल, जो यहाँ पे जीन थे वो एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, अदल बदल हो चुके हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो चुके हैं। और एक्सचेंज डीएनए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्सचेंज क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे का जितना मटेरियल था वो यहाँ मिल गया, तो यही एक्सचेंज क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और पैकेटिन में यही चीज होती है, ठीक है। एक और डायग्राम है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये एक दूसरे के पास में आए, नियर आए जाइगोटिन फेज में। ये हम देख चुके हैं जाइगोटिन में स्टार्ट हो चुका था क्रॉसिंग ओवर का। अब पैकेटिन में आके ये क्रॉस ओवर एक्चुअली में कंप्लीट होता है। वहां पे तो वो केवल पास आए थे, यहाँ पे इनका फ्यूजन भी होगा, ये फ्यूज भी होंगे और इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज भी होगा। और फिर उसके बाद ये सेपरेट यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, सेपरेट इनकी बाद वाली फेज में है, अभी एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ओवर होके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ वाला पोर्शन इसे मिल गया है और ये वाला पोर्शन इसे मिल गया है, तो ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब मेन बात करते हैं पैकेटिन की। पैकेटिन को पैकिनिमा भी कहा जाता है, या आप इसे पैचिनिमा या पैचिटिन भी कह सकते हो, कैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। पैकी का मतलब यहाँ पे थिक से है और टिन का मतलब आपको पता है थ्रेड। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगता है, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका होता है। कंडेंसेशन अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कंटिन्यूअसली कंडेंस होते जा रहे हैं। आप पहले भी हमने देखा था लेप्टोटीन में भी, जाइगोटीन में भी और पैकेटिन में भी, यहाँ पे ये थिक बन जाते हैं। न्यूक्लियर एंड अदर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल्स रिमेन एज इट इज। यहाँ पे भी कोई चेंज इनमें नहीं हुआ है, जैसे कि हमने प्रोफेज में देखा था माइटोसिस में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी और अदर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन ये सारे डिसअपियर और डिसोसिएट हो चुके थे, और लास्ट लास्ट फेज में डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तक इसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट के स्टेजेस में ये चेंज होते हैं, तो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है क्रोमोजोम्स के बीच में। इन पैकेटिन पैड क्रोमोजोम शॉर्टन एंड बिकम्स थिक। यहाँ पे जैसे कि इस फेज का नाम है, पैकी का मतलब होता है थिक, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स है उनका कंडेंसेशन होता रहता है और वो थिक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैकेटिन इज अ मेन सरफेस इन विच सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, मतलब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। जैसे कि अभी हमने क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, क्रॉसिंग ओवर इज अ सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल यहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो वही चीज है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है मेन, इसी के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। Although crossing over begins in zygotene phase, but it completes in pachytene subphase. जैसे कि आपको पता है जाइगोटीन सब फेज में ये स्टार्ट हो गया था कौन, क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वहां पे फ्यूजन नहीं हुआ था, केवल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के पास आए थे। यहाँ पे फ्यूजन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है, किसके केस में, पैकेटिन सब फेज के केस में, ठीक है। यहाँ पे होता है फ्यूजन भी और जेनेटिक मटीरियल का चेंज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूजन, फ्यूजनिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस कॉल्ड द कायाज्मा और कायाज्माटा, इसे चियाज्मा और चियाज्माटा भी कह सकते हैं। कायाज्मा जो होता है वो क्या होता है, एक आप समझ सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है, उसी तरीके से बना रही हूं मैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ पे होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, अभी यहाँ पे इसको ऐसे 3D वे में नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, एक पॉइंट पे होता है क्रॉसओवर, हो सकता है कि चार पॉइंट्स पे भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास चार आर्म्स हैं, तो चार जगहों पे चार पॉइंट पे क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन हम मेनली क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार आर्म्स है ना, तो चारों में ही क्रॉसओवर हो सकता है, चार पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मिनिमम एक हो सकता है, तो एक को हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है और यहाँ पे इसको, इस वाले को रेड पूरा कर लेते हैं,
ये वाला पूरा रेड है मान लीजिए, और ये वाला जो दूसरा वाला क्रोमोसोम वाला पैर है वो पूरा व्हाइट है, ठीक है, और ये रेड है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये पास आ रहे हैं और इनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को कायाज्मा कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना है उसे कहते हैं कायाज्मा या कायाज्माटा, ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है, ये कब होता है, आफ्टर फ्यूजिंग, जब ये फ्यूजन हो जाएगा, आफ्टर फ्यूजनिंग, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनता है कायाज्मा। फ्यूजन ऑफ क्रोमैटिड्स इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ये किसके बेसिस पे होती है, ये किसकी वजह से होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से ये फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन की वजह से कायाज्मा बनता है। और जैसे ही ये फ्यूज होंगे तब इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता जाएगा। हम तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किस तरीके से बता सकते हैं कि एक को जो पूरा व्हाइट कलर का था उसे थोड़ा बहुत उसका पोर्शन रेड बना दिया और रेड वाले में थोड़ा सा पोर्शन व्हाइट बना दिया, तो हम बता सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, जो जीन्स है वहां पे की, जहाँ पे कायाज्मा बना है वहां पे के जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। एट लास्ट द जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंजेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब जो व्हाइट वाला है उसे इसमें से इसका आधा पोर्शन हम रेड कर लेंगे, इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, और रेड वाले को उसका थोड़ा पोर्शन व्हाइट रखेंगे। ये मान लीजिए ये रेड है पूरा और ये वाला पोर्शन इसका व्हाइट हो गया, बाकी का पोर्शन वैसा ही रहेगा क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पे हमने क्रॉसओवर बताया है। क्रॉसओवर मैक्सिमम फोर पोर्शन पे या फोर पॉइंट्स पे हो सकता है, चार पॉइंट्स पे, क्योंकि हमारे पास चार आर्म्स होती है, एक क्रोमोसोम की चार आर्म्स है यहाँ पे क्योंकि वो डुप्लीकेटेड भी हो चुका है, तो चार पोर्शन में क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल एक ही पॉइंट पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉरी क्रॉसओवर हो चुका है इनके बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉसओवर होता है, लेकिन अभी यहाँ पे सेपरेट नहीं हुए, इस फेज में केवल क्रॉसओवर होता है, एक्सचेंज होता है, अभी यहाँ पे से सेपरेट नहीं हुए हैं पैकेटिन में, ये ध्यान रखना है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी फॉर्म नहीं हुआ है, ये केवल रेफरेंस के लिए है, केवल बताने के लिए कि ऐसे करके एक्सचेंज होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में पैकेटिन में होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक सेल है, सेल में अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो क्या हुआ है, डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो मान लीजिए हम न्यूक्लियस को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी है, यहाँ पे इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा, हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो वैसे ही है, मान लीजिए ये एक सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल हमने बना दिए, यहाँ पे अभी कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, ये पोल की तरफ नहीं गए हैं, एक ही तरफ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास आ चुके हैं और इनमें क्रॉसओवर भी हो चुका है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, लेकिन आप इतना समझ सकते हो, यहाँ पे क्रॉसओवर, ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और क्रॉसओवर हो चुका है इनके बीच में, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पे हम वैसे तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अलग 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 स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, यहाँ पे केवल दो रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, ऐसे ही कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे इन केस ऑफ ह्यूमन सेल। इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस ओवर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, अभी केवल एक्सचेंज हुआ है, अभी ये सेपरेट नहीं हुए हैं, ये टेट्राट हमको दिख रहा है, इनमें कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पोर्शन पूरा रेड है और ये वाला पोर्शन इसका हम इसको रेड बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी केवल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, बाकी अब कोई भी रेड हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। रेड दिखाने का मतलब यहाँ पे है कि हमको ये दिखाना है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम रेड होगा एक क्रोमोसोम व्हाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है और यहाँ पे एक्सचेंज, केवल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा इन केस ऑफ पैकाइटिन और पैकिटिन या पैचिटिन, जो भी आप चाहें इसको कह सकते हो, ये चीजें होती है केवल पैकिटिन फेज में। अब नेक्स्ट डिप्लोटीन और फिर उसके बाद लास्ट हो जाएगी डाइकाइनेसिस, फिर उसमें कम्प्लीटली प्रोफेज कम्प्लीट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर सेल ऑर्गेनेल्स ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, इनको हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि हम केवल सेल साइकिल की और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेल्स का दिखाने का कोई रीजन नहीं बचता क्योंकि उनका कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे, सेंट्रियोल के अलावा और कोई भी फंक्शन नहीं है। सेंट्रियोल सॉरी यहाँ अंदर नहीं है, सेंट्रियोल सेंट्रियोल सेल के बाहर होता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स सेल के बाहर है, तो ये अभी माइग्रेट भी नहीं हुए हैं। इनको कहाँ जाना है, यहाँ से इस पोल की तरफ जाना है, लेकिन अब ये माइग्रेट नहीं हुए हैं। तो ये सब कुछ होता है किसमें, पैकेटिन में। नेक्स्ट फेज होगी डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।